आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोने निगम आप सभी का स्वागत करती हूं इनसे मिलिए कार्यक्रम में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि सिर्फ गोरखपुर का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की पहचान है। आज़ादी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला ये पहला विश्वविद्यालय है। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया था। इसकी स्थापना में गोरक्षपीठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति किस करवट है, किस मकाम पर है, इन सभी बातों को, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इसके साथ ही छात्रों की क्या समस्याएं हैं, छात्र अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं, कितने गंभीर हैं और विश्वविद्यालय के प्रति उनकी क्या सोच है, इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है छात्र नेता आनंद मिश्रा जी को। आनंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आनंद जी, हमारा आपसे पहला सवाल यह है कि आप एक छात्र नेता के रूप में खुद का और अन्य छात्रों का क्या भविष्य देखते हैं, विश्वविद्यालय का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं एक छात्र नेता के तौर पे अपना और विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का भविष्य उज्ज्वल देखता हूँ। और रही बात विश्वविद्यालय के छात्रों का, तो जो छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं उन छात्रों के कई सपने होते हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश लेता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते समय छात्र सोचता है कि मैं अपने इन सपनों को पूर्ण करूँगा और अपने उन मुकामों को हासिल करूँगा जिन मुकामों को पूरा करने के लिए उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। परंतु विश्वविद्यालय में ऐसी कोई भी सुविधा न हो पाने के कारण कई छात्र अपने सपनों को पाकर वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और छात्र सोचता है कि मैं कहाँ पर आके फंस गया। लेकिन विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि आगामी जो छात्र नए प्रवेश ले रहे हैं उनके सपनों को वह संपूर्ण रूप से सफल बना सके। जी, तो विश्वविद्यालय के कुलपति का छात्रों के प्रति कैसा रवैया है, क्या सहयोगात्मक रवैया है या नकारात्मक है, वो कितना सहयोग करते हैं छात्रों के हर मुद्दे में, उनकी हर समस्याओं को सुलझाने में? देखिए, आप लोग खुद देख रहे हैं आजकल के माहौल में विश्वविद्यालय का जो माहौल चल रहा है कि छात्र आए दिन धरना दे रहे हैं और छात्रों के धरना देने का कारण है कि कहीं ना कहीं वह कुलपति से और विश्वविद्यालय परिसर से नासंतुष्ट हैं। जी जी, तो छात्र चाहता है कि उनकी इच्छाओं पे और उनके जो मुद्दे हैं उनको सुना जाए। और विश्वविद्यालय कुलपति महोदय क्या करते हैं कि छात्रों के जो भी ज्ञापन होते हैं उन्हें अनसुना कर देते हैं, छात्रों की बात को सुनते तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को अंततः जाकर धरना देना पड़ता है और छात्र धरना देकर थक जाते हैं, परंतु कुलपति महोदय पर कोई असर नहीं पड़ता है इसका। तो ये क्या हमेशा से चलता आ रहा है या नए कुलपति के समय से ये ऐसा चल रहा है या इसके पहले भी ऐसा होता रहा है छात्रों के साथ? इससे पहले तो होता रहा है, ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं होता रहा है, क्योंकि एक कुलपति हैं, उनका एक औहदा होता है, उनसे कोई भी छात्र जाके डायरेक्ट नहीं मिल पाता, ना ही ज्ञापन दे पाता, उसका एक प्रक्रिया होता है ज्ञापन देने का। लेकिन आज के दौर में ज्ञापन देना छोड़िए, कई छात्र तो ये भी नहीं जानते कि हमारे कुलपति दिखते कैसे हैं जी। और ज्ञापन कुलपति जी लेंगे क्या कि वो एक दूसरे जरिए से ज्ञापन लेते हैं, छात्रों से मिलते ही नहीं हैं। आज तक जिनके पास छात्रों की संख्या नहीं है वो आप बड़े पदाधिकारी नहीं हैं किसी संगठन के, या बड़े छात्र नेता नहीं है या वरिष्ठ छात्र नेता नहीं है, तो आप कुलपति महोदय से नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो आजकल की ज्वलंत समस्या है उन पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए और उसके समाधान के लिए एक छात्र नेता के रूप में आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग की, आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए, मैं तो विश्वविद्यालय में अपने 2-3 वर्ष बिता चुका, लेकिन हमसे भी पहले जो छात्र नेता हैं उन लोगों ने जो कोशिश की कहीं ना कहीं वो कोशिश रंग लाती, लेकिन विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं उनकी आवाज़ों को सुना ही नहीं जाता है, उनकी आवाज़ों को अनसुना कर दिया जाता है। और विश्वविद्यालय की जो ज्वलंत समस्याएं हैं इस समय विश्वविद्यालय परिसर के अंदर की मैं बात बताऊं आपको, विश्वविद्यालय परिसर में पानी की सुविधा नहीं है,
विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के शौचालयों की सुविधा ठीक से नहीं है। विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, विश्वविद्यालय में एक दो जगह ही ठंडे पानी के सप्लायर लगे हुए हैं, अन्य जगह वही टंकी के पानी आते हैं जो पूर्ण रूप से गंदे होते हैं, जिन्हें पीने योग्य पानी नहीं होता है। लेकिन इसके लिए पिछले वर्ष से या उसे कहिए उससे जो पहले के छात्र नेता थे, जो हमारे वरिष्ठ छात्र नेता हैं, सभी लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन विश्वविद्यालय कुलपति इसको क्यों नहीं पूरा करते हैं ये ना समझ आता है। कि अभी देखा जाता है कि अभी कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय ज्ञापन दिया गया था, सभी छात्रों ने मिलकर ज्ञापन दिया, तो विश्वविद्यालय कुलपति जी ने कहा कि मैं फंडिंग के द्वारा मैं करवा दूंगा, छात्रों की बात को मैं सुन रहा हूं, और कार्य उन्होंने करवाया। लेकिन जो विश्वविद्यालय कुलपति ने जो कार्य करवाया वो कार्य मात्र 4 से 6 महीने के अंदर ही दिख गया कि उन्होंने क्या कार्य करवाया। पानी की सुविधा उन्होंने लगवाया, अच्छे अच्छे टाइल्स लगवाए, शौचालयों में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छे थे, परंतु पानी के टोटी लग गया लेकिन उसे पानी नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या मैं बताऊँ। आपने अपने स्तर से और अन्य छात्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में, आप एक छात्र नेता हैं, अन्य छात्रों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनकी आवाज़ को पहुंचाने में, या आप ये कह सकते हैं कि आप असफल हैं? देखिए असफल तो हम लोग इधर हो गए हैं, या कुलपति आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कुलपति हमारी बात नहीं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये तो कुलपति जी के तानाशाही का, आपको और प्रयास करना चाहिए इस ओर। हाँ एकदम, और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आए दिन छात्र प्रयास करता है कि कुलपति हमारी बातों को सुने, कुलपति हमारी बातों पर विचार करें कि छात्र उनसे कहना क्या चाहते हैं। कुलपति जब तक कुलपति महोदय छात्र से रूबरू नहीं होंगे तब तक छात्रों की बात को कैसे जानेंगे कि छात्र, क्योंकि कुलपति महोदय हर एक कक्षा, हर एक कला संकाय, हर एक संकाय में जाके वो देख नहीं सकते हैं कि वहाँ की स्थिति और वहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो जो छात्र उनसे बता रहे हैं उनको तो उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन नहीं, छात्रों को तो अनसुना कर देते हैं। ये भी है कि मतलब वर्तमान समय में विश्वविद्यालय में 60 नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, तो क्या छात्र इस पाठ्यक्रम जोड़ने से संतुष्ट हैं? उनको लगता है कि उनका कैरियर इससे आगे बढ़ेगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा? विश्वविद्यालय कुलपति के कुलपति जी के द्वारा जो 60 नए पाठ्यक्रम लाए गए हैं और जिन पाठ्यक्रमों का आगमन हो रहा है उससे आने वाले भविष्य के जो छात्र हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल है। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है? हाँ एकदम है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, होटल मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम है, बीटेक जैसे पाठ्यक्रम है। अब जो छात्र विश्वविद्यालय से सोचिए जहाँ बीए करता था, जहाँ बीएससी करता था, वो छात्र वहाँ से होटल मैनेजमेंट के कोर्स करेगा, बीटेक के कोर्स करेगा, और विश्वविद्यालय ने टॉप 100 के रैंकिंग में स्थान बनाया है, 96 स्थान पाया है, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय कुलपति जी का ही सहयोग है और विश्वविद्यालय परिवार का सहयोग है, वहाँ के छात्रों का निरंतर सहयोग है, वहाँ के कर्मचारियों का सहयोग है, वहाँ के शिक्षकों का सहयोग है, जिन्होंने निरंतर शिक्षा में अपना योगदान दिया, जिससे छात्र आज कहीं ना कहीं अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इन पाठ्यक्रमों से, इन कोर्सों से उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हाँ एकदम एकदम मदद मिलेगी छात्रों को। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ से बहुत से ऐसे छात्र निकले हैं जो प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपनी नेतृत्व क्षमता का परचम लहरा रहे हैं, जैसे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी और जुझारू नेता कल्पनाथ राय जी, और हमारे इस समय वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये ऐसे हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की है और आज देश और प्रदेश क्या देश की राजनीति में विश्व स्तर के नेता के रूप में उभरे हैं। तो आप खुद को, आप भी राजनीति में रुचि रखते हैं, तो आप खुद को कहाँ पे देखते हैं, आपका क्या मतलब सोचना है कि आपको भी इसी क्षेत्र में जाना है? यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से पढ़ के निकली हैं। देखिए जैसा आपने बताया कि विश्वविद्यालय कोई छोटा, आज तो विश्वविद्यालय का कद काफ़ी ऊंचा हो गया है। मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय आज
पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है, पूरे संपूर्ण भारत में अपना नाम रोशन कर रहा है। और इस विश्वविद्यालय से कई राजनेता, कई प्रशासनिक अधिकारी और कई शीर्ष नेतृत्व के लोग निकले हैं जिन्होंने आज प्रदेश स्तर पर ही नहीं अपितु क्षेत्र देश विदेश में भी अपने नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय के छात्र इन जब उन छात्रों को तो हम जान सकते हैं जिनके नाम हम आज देख रहे हैं, जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी हुए, आज हमारे रक्षा मंत्री हैं, और हमारे वीर बहादुर सिंह जैसा आपने नाम लिया, और हमारे माता प्रसाद पांडे जी हुए, हमारे विधायक जी हुए। लेकिन हमारे कई और ऐसे छात्र हैं जो आज प्रशासनिक सेवा में भी कार्यरत हैं, हम उनके नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हमारे विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में एनमुनाई मीट होता था, उस मीट में जितने पुरातत्व छात्र होते थे सभी छात्रों को बुलाया जाता था, और जितने नए छात्र होते थे उनसे वो मिलते थे, उनके बातों को सुनते थे, उनके जीवन शैली को देखते थे कि उन्होंने विश्वविद्यालय से ही निकल के आज देश और प्रदेश और अन्य जगहों पर अपने नाम और विश्वविद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। परंतु देखा जाता है कि हमारे ये जो कुलपति हैं इन्होंने इस मीटिंग को करवाया ही नहीं। तो आज का जो हमारा जो छात्र है ये 2-3 वर्षों से तो ये एलुमनाई मीट हुआ ही नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं छात्रों को हानि पहुंचा है। जो छात्र वो अपने पहले से पढ़े हुए छात्रों से थोड़ा प्रेरणा लेते हैं, उस प्रेरणा से चिन्हों पर चलते हैं, उन्हें बहुत ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि कोई उसमें से प्रशासनिक अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई राजनेता है, कोई विधायक है, कोई सांसद है। हम मानते हैं कि विधायक सांसद नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप कुलपति होने के अहदे पर आप जब किसी को आमंत्रण देंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि मेरा विश्वविद्यालय से लगाव है और हमें चलना चाहिए। और उन्हें देखकर जो छात्र प्रेरित होंगे ना, उससे सिर्फ उनके माता पिता का नहीं अभी तो विश्वविद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में रोशन होगा, पूरे देश में रोशन होगा। ये विश्वविद्यालय में कब से ये छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, कितने समय हो गए हैं? देखिए, और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, तो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है आज का, और ये विगत 3-4-5 वर्षों से विगत ज्वलनशील मुद्दा रहा है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की छात्र नीति छोटी मोटी छात्र नीति है नहीं। छात्र लेकिन कहा जाता है ना कि किसी के दबाव में आकर कोई कार्य ना करवाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ गलत होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई हाथ है? इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का हाथ क्यों नहीं है? विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो चुनाव करवा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं चाहता है कि चुनाव ना हो, तभी तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय चुनाव जो है, कब से, मतलब पिछले कितने वर्षों से चुनाव नहीं हुए अभी तक विश्वविद्यालय में? देखिए, विश्वविद्यालय पिछले 2016 में तो चुनाव हुआ था, उसके बाद से विश्वविद्यालय का चुनाव स्थगित है और लगातार छात्रों ने इसका कारण क्या है? कोई तो मेन कारण होगा, कोई रीजन? देखिए, या सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ही इसमें रोक लगी हुई है? विश्वविद्यालय परिवार चाहे तो चुनाव करा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चुप्पी प्रदेश सरकार की ओर इंसाना करती है कि आज केंद्र से लेकर प्रदेश में उन्हीं की सरकार है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है जी। और हम सभी चाहते हैं कि चुनाव हो, चुनाव होना इसलिए चाहिए क्योंकि जो छात्र राजनीति होती है, छात्र राजनीति छात्र के लिए और राजनीति की प्राथमिक पाठशाला होती है। बिल्कुल, छात्रों को वो सिखाता है कि आप नेतृत्व कैसे करते हैं। छात्र जब यही नहीं सीखेगा कि हमको नेतृत्व कैसे करना है तो आगे कैसे करेगा नेतृत्व। और विश्वविद्यालय परिसर ऐसा है कि यह चौमुखी प्रतिभाओं का प्रांगण है, यहाँ से सिर्फ नेता ही नहीं निकलते हैं, यहाँ से राजनेता भी निकलते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी निकलते हैं और अन्य जगहों पर जाके अपने प्रतिभाओं को देते हैं और उनसे विश्वविद्यालय का नाम रोशन होता है। लेकिन जब आप छात्र राजनीति, जब छात्र चुनाव करवाएंगे ही नहीं, छात्र संघ का चुनाव जब होगा ही नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। और यह चुनाव ना होना कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय परिसर के लिए और छात्रों के लिए और आने वाले छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ही खराब है। तो दोस्तों, ये चर्चा चल रही थी गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर की छात्र जीवन, छात्र राजनीति और उनकी समस्याओं की आपने देखा और सुना। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे छात्र नेता आनंद मिश्रा ने किस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को रखा।
विश्वविद्यालय परिसर के भीतर चल रही गतिविधियों के बारे में बताया और छात्रों के भीतर मन में क्या है ये भी बताया। तो आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को अपनी बेबाक बातों से रूबरू कराया, विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय परिवार का आदर्श वाक्य है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, जिसका अर्थ है हमारे लिए यानी विश्वविद्यालय परिवार के लिए विश्व के चारों दिशाओं से कल्याणकारी विचार आए। प्यारे दोस्तों, हमारा भी यही मकसद है, जो कि समस्याएं हैं उनका समाधान हो, छात्र जीवन कुशल मंगल हो, उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो ये था हमारा आज का सफर, जो अब यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह इनसे मिलिए कार्यक्रम में, फिर से किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।